हार्ट रिसेट का ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 100% जो यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आपका फ़ोन में पेटेंट पिन पासवर्ड कुछ भी लगा हुआ दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है 100% न्यू ट्रिक के साथ दोस्तों फ़ोन जो है आपका यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों वीवो T1 5G ये मॉडल है दोस्तों, इसमें जो है पेटेंट लगा हुआ है। पैटर्न को हम लोग लाइव यहाँ पर अनलॉक करके दिखाएंगे दोस्तों, और इस तरह से आप ज़्यादा बार ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर इमरजेंसी में जाने के बाद यहाँ पर जो है कुछ भी आपका यहाँ पर कोड जो है वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर कोड डालेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कोड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो जो आसान और इजी ट्रिक के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है अनलॉक का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में। इस तरह से आप लोगों को सिंपल तरीका से मोबाइल को ऑफ कर देना है दोस्तों। यहाँ पर ऑफ यहाँ पर होने के बाद पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है और पावर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है। इसको आपको प्रेस करने के बाद दोस्तों आगे जो है फिर से आपका वीवो लिखा हुआ आएगा और अगला स्टेप आएगा। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखें, तभी जो है यहाँ पर हार्ट रिसेट का ट्रिक जो है दोस्तों यहाँ पर आपका वर्क हो जाएगा। एक भी स्टेप टूट छूटा तो आपका यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसका यहाँ पर करेंगे, चेक सिस्टम हम लोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि चेक सिस्टम होने के बाद फ़ोन का रिस्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चेक सिस्टम करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर चेक सिस्टम जो है यहाँ पर चेक सिस्टम यदि सही से हो जाता है तो आगे में भी आपका ट्रिक जो है ऑटो इनेबल ट्रिक में यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चेक सिस्टम को जो है यहाँ पर हम लोग दो बार करेंगे, और दो बार यहाँ पर करने के बाद आपको जो है यहाँ पर चेक सिस्टम को दो बार यहाँ पर करने के बाद फिर से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर करेंगे। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में जाना है, आपको नेटवर्क अपडेट में जाना है और यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। इसको आपको यहाँ पर ओके करना है दोस्तों। ओके यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आगे में जो है आपको यहाँ पर फिर से आपको जो है आपका वीवो लिखा हुआ है वो आपका यहाँ जाएगा, और वीवो लिखा हुआ आने के बाद आपको जो है आगे में इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको इसको टच कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर जो वाईफाई है इसको वाईफाई को कनेक्ट करके आपको जो है फ़ोन यहाँ पर जो है आपका अपडेट के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से अपडेट होगा, तो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फ़ोन आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद फिर से जो पैटर्न है आपका टूटा नहीं है। तो सिंपल तरीका से दोस्तों फिर से आपको मोबाइल को यहाँ पर ऑफ कर देना है। इस तरह से ऑफ कर देने के बाद दोस्तों फिर से आपको पावर ऑन अप बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे दोस्तों फिर से आपका यहाँ जो वीवो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है और पावर ऑन अप बटन को प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से वीवो लिखा हुआ आएगा, और आगे में जो है फिर से आपको कुछ देर के बाद आपको अगला स्टेप वो यहाँ पर इसके बाद का जो ऑप्शन आएगा दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपका चेक सिस्टम यहाँ पर इनेबल होने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर दोबारा आपका यहाँ पर वर्क नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उंगली यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर उंगली यहाँ पर रखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चेक सिस्टम में पहला थोड़ा सा लाइट यहाँ पर ब्लिंक किया है, और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है चेक सिस्टम में यहाँ पर जो है लाइट जल चुकी है, और दोस्तों देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो है दोबारा यहाँ पर इनेबल यहाँ पर नहीं होगा। तो हम लोग दोस्तों फिर से यहाँ पर जो है फिंगर को यहाँ पर रखेंगे, और इसके बाद जो है दोस्तों क्लियर डाटा में हम लोग का लाइट जो है ब्लिंक किया है, और इसको हम लोग छोड़ेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर होने के बाद 100% जो है आपका ऑटो इनेबल ट्रिक के माध्यम से जो है क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन है यहाँ पर जो है दोस्तों 100% यहाँ पर जो है सक्सेसफुल यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से ओके करेंगे दोस्तों, जो पैटर्न हम लोग को पता नहीं था भूल गए थे, यहाँ पर हार्ट रिसेट का कंप्लीट जो है दोस्तों यहाँ पर 100% यहाँ पर रहा, और हार्ट रिसेट सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ दोस्तों। इस तरह से होने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ देर के बाद यहाँ पर कंप्लीट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर उसको रिटर्न जाना है, बैक जाना है, और आपको रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है इसको आपको प्रेस कर देना है।
इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, आगे में जो है आपका यहाँ पर फिर से वीवो लिखा हुआ आ जाएगा, और वीवो लिखा हुआ आने के बाद दोस्तों फ़ोन जो है आपका पेटेंट पिन पासवर्ड रहे 100% अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद FRP का ऑप्शन आता है, तो स्टार्ट आपको यहाँ पर करना है। स्टार्ट आपको करने के बाद आपको जो है आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर कंट्री यहाँ सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको चेकबॉक्स मिलेगा, इसको आपको टिक करना है। टिक एंड टिक यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन, इसको आपको प्रेस कर देना है। इसको आपको प्रेस करने के बाद दोस्तों सेटअप ऑफलाइन में जाना है, आपको कंटिन्यू कर देना है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों आपका